Hello and welcome to our series Counseling Baki Hai. I am Aditya Yadav and I am watching The Social Indian, and in this video we'll be dealing with the question, what is the difference at law in Delhi University and other universities. अब हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करने आ रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, रीजनेबल हैं चीज़ें या नहीं हैं. तो इस वीडियो में आपसे बात करेंगे फीचर्स की, यानी फीस, टीचर्स, फैकल्टी, कैंपस, एनवायरमेंट, एक्सपोजर, यहाँ तक कि शॉपिंग तक की भी. तो आज की इस वीडियो में कोई मास्टर टिप नहीं होने वाली है, लेकिन ये वीडियो एक तरह से एक मास्टर वीडियो है, क्योंकि जब आप यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आएंगे, लॉ करेंगे, तो ये चीज़ें अगर आपको पहले से पता होंगी तो आपके लिए फ़ायदा होगा. अब शुरू करते हैं फीस से. दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो 5000 के आसपास होती है, 5500 के आसपास होती है पहले सेमेस्टर के लिए, यानी पूरे साल के लिए. उसे अगर हम पूरे साल के लिए बना दें तो वो हो जाती है 7000 के अराउंड, क्योंकि 2000 के आसपास आपके एग्जामिनेशन फीस भी आएगी सेकंड सेमेस्टर में. तो अगर हम एस्टिमेट लगाकर चलें तो 7 से 8000 के बीच में फ़ीस होती है पूरे साल की. उससे ज़्यादा आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे. लेकिन अगर आप जाएंगे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, MIT में, जिंदल में, मैं नाम ले रहा हूँ लेकिन मेरा इंटेंशन उनको कुछ भी बताना नहीं है, वहाँ पर आपसे मोटी फीस ली जा सकती है. वहां पर आपको ये सुविधाएं शायद इन बजट में ना मिले, और इतनी रीजनेबल जो स्टडीज हैं वो आपको शायद कहीं ना मिले लॉ की. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बात में भी आगे है, क्वालिटी में भी आगे और फीस में भी बहुत पीछे है. अब यहाँ पर देखा जाए तो अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉ फैकल्टी की नई बिल्डिंग है, पानी की फैसिलिटी आपके लिए है, RO के वाटर कूलर लगाए गए हैं, क्लासरूम्स बड़े हैं, बड़ी बड़ी बेंचेस हैं, कॉरिडोर्स क्लीन हैं, नए हैं तो और ज़्यादा साफ दिखते हैं, चमकते हैं. बिल्डिंग को इस हिसाब से बनाया गया था कि उसमें AC लगाया जाए, उम्मीद करते हैं जल्दी AC भी लग जाएगा. यहां पर आश्चर्य की बात यह है कि लाइब्रेरी में AC थे लेकिन वो चलते नहीं थे, आज के टाइम में वो AC चलने लग गए हैं. आप सभी के प्रयास हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनके प्रयास है कि हम लोगों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया है और आपके साथ शायद और आगे बढ़ाएं. उसके साथ साथ अगर हम बात करें फैकल्टी की, जो प्रोफेसर हैं हमारे वो कैसे हैं, तो वो हाँ बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोफेसर है. आपको यहाँ पर रिनाउंड प्रोफेसर्स मिलेंगे जो लॉ के बारे में इतनी अच्छी पकड़ रखते हैं कि आजकल क्या वकील उन्हें, जजेस उन्हें कंसल्ट करते हैं केसेस को देखने से पहले. तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको फैकल्टी मिलेगी जो कि वेल एजुकेटेड है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए ही बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम क्लियर करके वो लोग आते हैं, तो वेल एजुकेटेड तो वो होंगे ही. साथ ही साथ जो मुझे एक खास बात लगी यहाँ पर प्रोफेसर की, वो ये थी कि वो लोग फ्रेंडली हैं, आपसे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपके साथ डिस्कस करना पसंद करते हैं. अब ईजी टू रीचेबल हैं, यानी एक्सेसिबल भी हैं. अब कॉलेज तो अफोर्डेबल है ही आपके लिए, तो टेंशन की कोई बात है नहीं. जब टीचर्स आपके लिए एक्सेसिबल होंगे तो शायद आप ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाएँ. अब एक बात और ख़ास है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं वो पंचुअल हैं और रेगुलर हैं. यहाँ पर आपको क्लास मिस होते हुए बहुत कम दिखेगी, अगर दिखेगी तो आप समझ लीजिएगा कि आप जैसे ही बच्चों की वजह से मास बंक किया गया है. अब अटेंटिव भी है टीचर और आपके क्वेश्चंस को भी अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इस फैकल्टी का आज के टाइम पर पार्ट हूँ. स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स जो आते हैं वो डाइवर्स तरह से आते हैं कि भाई डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. कोई केरला से आ रहा है, कोई मद्रास से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है. तो दुनिया भर की जगह से लोग आ रहे हैं. फॉरेन के बारे में भी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शायद लोग फॉरेन से भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए. कुछ लोग फॉरेन की अलग जो है फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह सब है, उसके लिए वीडियो नहीं है क्योंकि शायद वो हिंदी में ये बातें समझ भी ना पाएँ. अब आगे हम बढ़ते हैं तो स्टूडेंट जो वो यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक अलग ही तरह के स्टूडेंट दिखेंगे जो आपस में कंपीट करने के लिए आगे हैं, ग्रोथ में बिलीव करते हैं, स्टूडियस हैं. तो अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, और इसी से हमें याद आता है अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं DU में. अब जब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम ही काफी है, और कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं. यहां पर प्लेसमेंट सेल है, टीचर्स की गाइडेंस मिलती है, सीनियर्स की गाइडेंस मिलती है, क्योंकि जो आपके सीनियर्स हैं फैकल्टी के वो भी आप जाकर देखेंगे तो अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आपका
आपका जो एलुमनाई है वो बहुत आगे निकला हुआ है, तो आपको हर जगह पर मौका मिलता है, सहायता मिलती है, अच्छे दोस्त बनाने को मिलते हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने को मिलते हैं, एक्सप्लोर और लर्न करने के लिए यहाँ पर संसार है, आबार है, सागर है, आपको बस डुबकी लगानी है और तैरते ही जाना है। सिलेबस जो है DU का वो इस हिसाब से बनाया गया है कि वो आपको लिटिगेशन में भी हेल्प करता है, जुडिशरी में भी हेल्प करता है, और LLM करना चाहेंगे तो उसके लिए भी हेल्प करता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब फैकल्टी की लोकेशन के बारे में बात करते हैं, तो फैकल्टी जो है वो नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड, और नॉर्थ कैंपस का जब हम नाम लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में है फैकल्टी, तो अलग ही शान हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक हडसन लेन है, हडसन लेन आप आएंगे कॉलेज तो सुनेंगे कि यहाँ पर कैफेज ही कैफेज हैं, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, कमला नगर जा सकते हैं आप, कमला नगर बिल्कुल नज़दीक है, शॉपिंग कीजिए, इंजॉय कीजिए, कमला नगर में रहिए। फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेट्रो स्टेशन पे, जब आप शाम को छुट्टी होगी आपकी, जब आप जाएंगे तो आप बाहर देखेंगे कि मैक्सिमम लोग वॉक करके मेट्रो तक जा रहे हैं। ई रिक्शा की फैसिलिटी अवेलेबल है लेकिन लोग प्रेफर करते हैं वॉक करना, क्योंकि मौसम भी अच्छा होता है और वॉक करने में मज़ा भी आता है दोस्तों के साथ। बस स्टॉप से 2 मिनट की दूरी है मेट्रो स्टेशन की, यानी आप मेट्रो से बाहर निकले और सामने बस स्टॉप है। मिश्रा जी की चाय यहाँ पर बहुत फेमस है, मिश्रा जी ने इस वीडियो के लिए हमें पैसे भी नहीं दिए, अगर मिश्रा जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें स्पॉन्सर कर दीजिए, आपकी चाय का हम यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं। कैंटीन फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, चीप स्ट्रीट फूड से लेकर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट तक आप जो चाहें वो पसंद करें वहीं जाएं और इंजॉय कर सकते हैं, सब तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है, आपको सब तरह के लोग मिलेंगे, और उम्मीद करूंगा कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो फैकल्टी में बहुत ही अच्छा रहे। और साथ ही साथ अगली वीडियो हम ला रहे हैं मेरा एक्सपीरियंस 1 साल का फैकल्टी में, तो स्टे ट्यून्ड। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि एक पोएट्री की भी वीडियो लाएं आपके लिए, अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर हमें कमेंट कर बताइएगा, नहीं तो आप हमें बताइएगा कि हम किस विषय पर और वीडियो लाएं। एंटी रैगिंग फॉर्म्स और जो फिलिंग फॉर्म फिलिंग है उसके लिए हमने एक वीडियो रखी है, तो उसकी चिंता ना कीजिएगा, उसे सजेस्ट ना कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, ज्यादा समय खराब ना करते हुए, भारत माता की जय, जय हिंद।